जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी के लिए गुरुवार को रोड शो करने पहुंची थी। इस दौरान सपना चौधरी की एक झलक पाने को फैंस इकट्ठा हो गए। इस बीच फैंस बेकाबू हो गए और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इस वजह से सपना चौधरी को भी मुसीबत झेलनी पड़ी। बता दें कि दिल्ली के मलकागंज इलाके में मनोज तिवारी के समर्थन में डांसर सपना चौधरी प्रचार के लिए पहुंची थी। सपना लगातार उनके समर्थन में वोट मांग रही हैं। इस दौरान सपना को देखने के लिए भीड़ जुट गई। उनका वाहन भी फैंस के बीच घिर गया। इस बीच भीड़ बेकाबू हो गई कि दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। मामला अफरातफरी तक का पहुंच गया। सपना चौधरी और भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी एक खुली गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद सपना चौधरी को दूसरी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित निकाला। बता दें कि हरियाणवी के रोहतक में जन्मी सपना चौधरी के लाखों फैंस हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए भी अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। सपना चौधरी अब न केवल हरियाणा में प्रोग्राम करती हैं बल्कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी उनके खूब कार्यक्रम चलते हैं। बिग बॉस के सीजन 11 का हिस्सा बनने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग देश भर में हो गई है और उसी के कारण आज उनके फैंस को लाठी खानी पड़ गई। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।